हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जब भी हम तत्काल टिकट बुक करते हैं तो अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर आ जाता है तत्काल टिकट बुक करते समय, जिसके कारण तत्काल टिकट हम बुक नहीं कर पाते हैं। ये जो एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? यदि इस प्रकार का एरर आता है तो हम लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक कैसे कर सकते हैं? इस टाइम में तत्काल टिकट बुक करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस तरह के एरर आता रहता है तत्काल टिकट बुक करते समय, तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आता है, अलग अलग प्रकार के एरर देखने को मिल रहा है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, और ये जो एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, यदि इस प्रकार का एरर आता है तो आप लोगों को क्या करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दरअसल अभी फ़िलहाल की जो बात किया जाए, जब भी हम तत्काल टिकट बुक करते हैं, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है, हम जब स्लीपर क्लास के टिकट बुक करते हैं तो अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर देखने को मिलता है। लेकिन यही हम थर्ड एसी की बात किया जाए, जैसे हम थर्ड एसी तत्काल टिकट बुक करते हैं तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम नहीं आता है। काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन 10% के आसपास ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन यही हम स्लीपर बुक करते हैं, यहाँ पर हमें 90% चांसेस होते हैं IRCTC का पेज लॉग आउट हो जाता है, या फिर अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर आता है, यानी 2 से 3 मिनट तक इस प्रकार का एरर आता रहता है, जिसकी वजह से हम लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। दरअसल हो क्या रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कुछ टाइम पहले यानी कि 1.5 से 2 महीना पहले दिल्ली, महाराष्ट्र, इसके अलावा कई सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसके कारण जितने भी व्यक्ति थे महाराष्ट्र, दिल्ली, UP, सारे के सारे जहाँ जाना था अपने गाँव वो चले गए हैं। ज़्यादातर महाराष्ट्र और दिल्ली के लोग बिहार से थे, बिहार चले गए, और इस टाइम जो है बिहार से आने में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रहा है। जब भी हम टिकट बुक करते हैं तो इस प्रकार का एरर आता है, तो पेज लॉग आउट हो जाता है, या फिर अनेबल टू परफॉर्म का एरर आता है, तो 2 से 3 मिनट तक तो साइट ही नहीं चलता है। और इसके बाद जब हम इसे लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करके हम चेक करते हैं तो वहाँ पे 9 सीट अवेलेबल आ जाता है, या फिर वेटिंग आ जाता है। तो यदि इस तरह के प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है? तत्काल टिकट जब भी हम बुक करते हैं तो 2 तरह से बुक करते हैं, IRCTC की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से बुक ना करें, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा हुआ, यदि IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से अगर टिकट बुक करते हैं तो अनेबल टू परफॉर्म या फिर IRCTC पेज लॉक आउट का प्रॉब्लम 100% आता ही है। तो आप लोग IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करना है। अब वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। 1, आप कोशिश कीजिए न्यू ID से तत्काल टिकट बुक करने की। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ओल्ड ID से टिकट बुक करता है, यानी तत्काल, इसकी वजह से भी मैंने देखा वो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम आता है। न्यू ID आप लोगों को बना लेना है, इसके बाद तत्काल टिकट बुक करना है। 2, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आपका इंटरनेट स्पीड काफ़ी हद तक अच्छे होने चाहिए, कम से कम तो 50 MB स्पीड होना ही चाहिए। आप लोग जो गलती करते हैं, मोबाइल के डाटा ऑन कर लेते हैं, इसी से आपको वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, तो इसका स्पीड जो है काफ़ी हद तक कम होता है, इसकी वजह से भी ये सब प्रॉब्लम आता है। और आप लोगों को लॉगिन किस टाइम करना है? जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आपको 2 मिनट पहले लॉगिन करना है, AC बुक करते हैं या फिर स्लीपर टिकट बुक करते हैं। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्लान वाइज जोन पहले से सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद क्लास सेलेक्ट कर लेना है पहले से, इसके बाद यहाँ पर आप चाहते हैं कि पर्सनल डिटेल यानी कि पैसेंजर डिटेल, एड्रेस, और इसके बाद बैंक डिटेल पहले से ही सेव करके कैसे रख सकते हैं, तो आप कमेंट करके बता देना। इस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। इससे पहले जब भी आप तत्काल टिकट बुक करने के लिए बैठते हैं 2 से 3 मिनट पहले, तो आप लोग करना क्या, सबसे पहले तो हिस्ट्री आप लोगों को डिलीट कर लेना है। यदि आप हिस्ट्री डिलीट कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो अनेबल टू परफॉर्म का एरर आता है, IRCTC पेज लॉग आउट हो जाता है। इस टाइम जो है IRCTC की वेबसाइट पे यानी कि 10-11 बजते ही इस सर्वर पे इतना ज़्यादा लोड हो जाता है, इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। जो मैं तरीका बताया, यदि आप ये टिप्स को फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।